हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे कॉपर के बारे में एंड कॉपर के फ्यूचर के बारे में जानते हैं। एंड यहाँ पे जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, यानी कि 31 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख पा रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अपसाइड में जाने के लिए, और बाइंग जो बनेगा कॉपर में वो किस प्रकार से बनेगा, वो सभी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा मैं, और डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉपर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले भी यहाँ पे कॉपर का अपडेट देता रहता हूँ, और कॉपर का मैंने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट भी किया था कि कॉपर में अपसाइड के लिए लेवल्स बताए थे मैंने, और एग्जैक्टली वो लेवल आ भी चुके थे, और जिन्होंने उस लेवल्स का लुफ्त उठाया होगा वो प्रॉफिट में होंगे। तो आई होप आप जानते हैं यहाँ पे गाइस हम कॉपर के नेक्स्ट वीक के प्लान के बारे में कि नेक्स्ट वीक में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो गाइस आपको मैं फटाफट से डिस्क्लाइमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर जारी। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर किस तरह से लेवल निकाले जाते हैं, किस तरह से बाइंग का प्लान किया जाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे काम किया जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपको, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है, तो गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना। और गाइस यहाँ पे आप है ना शेयर लाइक नहीं करते हो, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। तो चलिए गाइस लेट्स ही शुरू करते हैं पॉपर के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मैंने वनडे का चार्ट लगाया, और वनडे के चार्ट के ही अकॉर्डिंग मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। देखिए वनडे के चार्ट के, क्योंकि देखिए कॉपर क्या होता है, ये जो हमारा जितने भी बड़े बड़े जो स्टॉक्स होते हैं, कॉपर है और अन्य जो स्टॉक होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट बहुत कम होते हैं, है ना, एनी हाउ की जो भी मूवमेंट होते हैं, तो वो पर डे यानी कि डे चार्ट के ऊपर अच्छे से उसको हम कैप्चर कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वन डे एंड 4 आवर्स एंड 1 आवर्स, ये मैं चार्ट के जो टाइम फ्रेमिंग है मैं इनको ज़्यादा प्रेफरिंग करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो इंट्राडे ओनली फॉर जस्ट, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। ये कॉपर जो होता है ये इंट्राडे के लिए नहीं है। अप्रोक्स यहाँ पे हम जो सोचते हैं ना कि 1 घंटे में या 5 मिनट में हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के ले जाएं, नॉट ए गुड, ठीक है ना। यहाँ पे नोट इन्वेस्ट ऐसे इन्वेस्ट नहीं होता इसके अंदर, इसके अंदर जो इन्वेस्ट होता है वो थोड़ा सा लंबे लॉन्ग टाइम फ्रेम पर चेक करके ही इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पे। अब वो किस प्रकार से होगा वो बात समझिएगा आप यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक चीज़ों का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों को आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने कुछ एक लाइनें ड्रॉ की हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक लाइनें हैं जो लाइनें ड्रॉ की हैं, और उन लाइनों को देखने के बाद आपको कुछ एक चीज़ आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे कुछ जो बड़े टाइम फ्रेम पर जो जितनी बड़ी ट्रेल लाइनें होती हैं, यानी कि जितने बड़े सपोर्टेड होते हैं, तो ये समझ के चलना कि वे बड़े काफ़ी अहम सपोर्ट हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रो किया है, समझना गाइस इस चीज़ को डिटेल में, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने एक ड्रो किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट था, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो जून अगस्त और अक्टूबर काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका सपोर्ट बना हुआ था, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन किया एंड फिर ये कंसोलिडेट जोन एंड यहाँ पे देन फिर इसने यहाँ पे एक ही झटके में यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाता हुआ निकल गया कॉपर। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ है गाइस, कॉपर ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन एक रेजिस्टेंस ऊपर भी था इसके, एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर भी था। थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ सके यहाँ पे कि मैं किस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिर एक ट्रेड लाइन थी हमारे पास में, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ ट्रेड लाइन डॉट डॉट से आपको नजर आ रही होगी, ये ट्रेड लाइन थी। यहाँ आने के बाद फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया कॉपर ने यहाँ पे, फिर इसका ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट एंड फिर अपसाइड में फिर एक ट्रेड लाइन थी गाइस यहाँ पे अपसाइड में, उस ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, देन फिर डाउन साइड में आने के बाद में यहाँ पे गाइस, और यहाँ पे पुरानी सपोर्ट यानी कि अभी यहाँ जो मिडिल जो सपोर्ट है, यानी कि जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था उस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से ही इसी ही सपोर्ट के पास से बाउंस बैक हुआ है कॉपर दोबारा से। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके क्लियरिटी के साथ में आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको हर प्रकार से समझ में आ सके। देखिए अब यहाँ पे इसी ट्रेड लाइन के आसपास से यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ है,
क्लियरली। अब यहाँ पे क्या साइन है गाइस, यहाँ पे कुछ एक लेवल ऐसे निकलेंगे यहाँ पे, वो आपको कैप्चर करने हैं। देखिए यहाँ पे अब लेवल को बताता हूँ, सबसे पहले लेवल क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर निकलता है 883, अगर यहाँ पे 883 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, या तो यहाँ पे जब बाइंग बनेगा पॉपर के अंदर, और फिर जो टारगेट होंगे ऊपर साइड में 914, एंड उसके बाद में फिर आपको अप साइड में 946, यानी कि 946 एंड 914, यानी कि फिर आपको टारगेट मिलेंगे अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो। और जो फास्ट जो बाइंग होगी यहाँ पे, वो बाइंग जो होगी यहाँ पे 889 के ऊपर स्ट्रॉन्गली बाइंग होगी। फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है 883 के ऊपर, तो यहाँ पे नॉर्मल बाइंग होगी, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन जो फास्ट जो बाइंग होगी वो यहाँ पे ही होगी गाइस 889 के ऊपर स्ट्रॉन्गली। यहाँ से आप बाइंग के प्लान कर सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे बाइंग किस प्रकार से और बन सकता है, यहाँ पे देखिए अगर कॉपर थोड़ा सा करेक्शन करता है, यानी कि अब यहाँ मान के चलिए अगर यहाँ पे डाउन साइड में आता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है समथिंग 860 के आसपास, अगर यहाँ पे 860 के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे हल्का फुल्का रिटेस्ट करके और कंसोलिडेट करता है, या फिर कोई बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे नज़र आती है, यानी कि हैमर आए, फिर यहाँ पे कोई बुलिश सिंगल फिन आपको यहाँ पे नज़र आए, या फिर यहाँ पे इवनिंग शूटिंग स्टार मॉर्निंग स्टार आपको यहाँ पे नज़र आए, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो टारगेट देखना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा 883, क्योंकि जब कोई भी चीज़ गाइस यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट उसी के हाई का होता है, उस ही हाई का होता है जो हाई से डाउन हुआ है, यानी कि जहाँ से बैक हुआ है उसी पुल तक का हमें एक फर्स्ट टारगेट चूज करना चाहिए। लेकिन हमें जो स्ट्रॉन्गली जो टारगेट जो आपको अपसाइड में बाइंग के बारे में बताया मैंने, वो यहाँ पे जो बाइंग होगा 883 889 के ऊपर ही बाइंग आपको करना चाहिए अपसाइड के लिए। फिर आपको जो अपसाइड में बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे आपको मैंने बता ही दिया गाइस, मैं रिवाइज नहीं करूंगा चीज़ को, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और अभी यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट जो आपका गाइस यहाँ पे निकल के आ रहा है ना, वो सपोर्ट भी जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 858 यानी कि 858 का यहाँ पे सपोर्ट है आपके पास में। अगर इस सपोर्ट को निकालता है फिर से कॉपर नीचे निकल जाएगा। लेकिन आपको जो बाइंग करना है गाइस, फ्रेश जो आपको बाइंग करना है वो बाइंग उसी के ऊपर करना है 883 889 के ऊपर ही बाइंग करना है। यहाँ से ही बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, इससे पहले बाइंग का प्लान नहीं करना है। अगर आपको बाइंग का प्लान करना है तो इसी के ऊपर होगा। और यहाँ पे अगर आप स्मॉल टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिटेस्ट होता है और यहाँ पे कोई एक, यानी कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार या फिर बुलिश सिंगर फिन मिलता है या हैमर मिलता है, तो फिर आप इसी के हाई का यहाँ पे टारगेट लगा के चल सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो ये गाइस यहाँ पे कॉपर का था। अब एक बार मैं फॉरवर्ड्स के चार्ट पे फटाफट से आपको लेकर चलता हूँ। तो फॉरवर्ड्स के चार्ट पे भी कुछ एक चीज़ें आपको नजर आएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये जो आपको ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है गाइस यहाँ पे, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर निकलता है और इस ब्लॉक के अंदर अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेट करके ऊपर साइड में आता भी है ना, तो फिर यहाँ पे 894 तक आ सकता है फॉरवर्ड्स के चार्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद में ऊपर में अगर यहाँ पे 894 को निकालता है तो फिर यहाँ से एक बाइंग बनेगा अच्छा खासा, जो कि आपको ले जाएगा 913 यानी कि 913 के आसपास। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ले जाएगा कहाँ पे 946 यानी कि 9045। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ चीज़ों का, यहाँ पे बाइंग जो बनेगा आपको यहीं से यहाँ पे ही बाइंग बनेगा 889 यानी कि 189 और 193 के आसपास से बाइंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस क्या है गाइस, क्योंकि ट्रेड लाइन का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये जो आपको एक डॉट डॉट वाली ट्रेड लाइन नजर आ रही होगी, इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। देखिए हालांकि आएगा तो ऊपर ही ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ पे जो गाइस बार बार ये ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और फेस करने के बाद में फिर डाउन साइड में यहाँ पे एक रिटेस्ट कर सकता है और हो सकता है कि फिर से एक बार यहाँ पे इस चैनल के आसपास आ जाए, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो अपसाइड के लिए। तो ये था गाइस यहाँ पे कॉपर का प्लान, और इसी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बाइंग के प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर में कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ सकते हो। तो यहाँ पे अभी अभी के लिए जो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा, वही एडवाइस करना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैंने आपको लेवल बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कीजिएगा। क्योंकि अगर अगर यहाँ कॉपर में देखा जाए ना, तो कॉपर अभी सपोर्ट से ऊपर निकला है, यानी कि यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ है फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर यहाँ से, तो यहाँ सपोर्ट के ऊपर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस यहाँ पे।
अगर यहाँ पे हल्का फुल्का एक रिटेस्ट आता है, यानी कि एक रिटेस्ट आता है यहाँ पे, फिर यहाँ से पुल बैक होगा अपसाइड के लिए। तो इस तरह से यहाँ प्लान होगा आपके लिए। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।